चूंकि आज टॉपिक चल रहा है शहरों के हकूक़ के बारे में तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं हमारे अलामा अमीन शहीदी साहब यहाँ पे मौजूद हैं मुस्कुरा भी रहे थे थोड़ा परेशानी से कुछ देख भी रहे थे कुछ सुन भी रहे थे और कुछ कहना भी चाह रहे थे तो बड़ी देर से वो एक खामोशी जो है वो कायम है अभी तक सो उस खामोशी को तोड़, तोड़ देते हैं आगे बढ़ जाते हैं चूँकि प्रोफेसर साहब दो ये असल में ना दो मास्टर्स हो चुके हैं तो ये अब मास्टर्स से हम ना ज़रा बाद में बात करते हैं ज़रा <laughs> सो हम कहते हैं कि ज़रा इस तरह के टॉपिक्स में ज़रा मास्टर साहब के पास बाद में जाएंगे सो जी हज़रत बसम देखिए ये जो शोहर के हुकूक का अनवान है महफिल को गरमाने के लिए तो बहुत अच्छा है और लोगों के अंदर खुजन मर्दों के अंदर एक शौक की कैफियत पैदा करने और उनको सरू बख्शने के लिए भी बहुत अच्छा वाह वाह वा, वा। थोड़ा सा माइक नीचे कर लें जी लेकिन हकीकत यह है कि हमारे माशरे के अंदर शोहर ही के हकूक हैं औरतों के हकूक नज़र नहीं आते हैं हकीकत यह है चूँकि माशरों में बड़ा फ़र्क है बादशरे मरदों के माशरे होते हैं वहां पर औरतें हमेशा महकूम होती हैं और बाद माशरे औरतों के माशरे होते हैं, मर्द महकूम होते हैं जी जी मैं दोनों तरह के माशरों में गया हूँ जिन माशरों में औरतें हाकिम होती हैं और उनका ही हुक्म हर जगह चल रहा होता है वहां पर बेचारे शोहर बड़े सहमे सहमे रहते हैं हाय हाय ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है इसलिए कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैं साहब ऐसे हाय 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 वो खुद हैं नहीं नहीं अच्छा और बाद इस्लाम एक दीन है। बिल्कुल, इस दीन के अंदर गुजारने के दो पहल बयान किए गए है। है और एक है कानूनी पहलु ये दो अलग अलग बिल्कुल चीजें हैं। जब हम हुकूक की बात करते हैं तो बिलुमूम हमारे जहन उसके कानूनी पहलुओं की तरफ जाते हैं ठीक है लेकिन जब हम एक कामयाब जिंदगी गुजारने की कोशिश करें तो वहां पर हमें अखलाकी पहलुओं को देखना पड़ता है ये जो अभी मुफ्ती साहब ने जितनी भी अहादीत बयान की है ये कानूनी नहीं है ये अखलाकी पहलू है सारे के सारे बिल्कुल इन अखलाकी पहलुओं का अगर ख्याल रखा जाए तो एक घर हकीकी मानू में जन्नत नजीर बन जाता है सवाल है अच्छा कानून की जरूरत भी माशरे में है क्योंकि कानून के बगैर माशरा चलता नहीं है कहां पर ज़रूरत है जहां पर अखलाकियात में कमी हो जाए ठीक है अखलाकियात में हम उस अखलाक का मुजाहरा न कर सकें जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है इसी तरह से ये जो अभी तक जितनी बातें हुई इसमें हम देखते हैं कि औरत अगर मर्द के वाले से ये करे ये करे ये करे तो उसको ये सवाब है ये सवाब है ये सवाब है तो इसका मतलब यह है कि उस काम में भी औरत की मसलहत को अल्लाह ने दुनिया और आखिरत दोनों के लिहाज से सामने रखा हुआ है यानी मर्द की खिदमत अपनी जगह अब यहाँ पर एक सवाल उठा कि क्या औरत लोंडी है औरत क्या नौकरानी है औरत जब शादी करके आती है तो क्या उसके जिम्मे काम ही करना है तो इस हवाले से ये जो कानून और अखलाक के दो अनावीन है ना इनको अगर हम सामने रखें तो बात वाजे हो जाती है ठीक है देखिए कानूनी तौर पर औरत अपने शोहर के घर में चंद चीज़ों की पाबंद है हर चीज़ की नहीं ठीक कानूनी तौर पर जिसको हम शरीयत कहते हैं शरीयत ही नहीं कानून उसके तहत शोहर की जो ज़रूरतें औरत से मुत्ल हैं उसमें औरत शोहर की पाबंद है कि कहीं पर भी वो ना ना करे ठीक है ठीक है घर से बाहर ना जाए पाबंद है इसी तरह से मर्द के तमाम उम्र की हिफाजत करे राजदान बने ये उसकी पाबंद है।, है लेकिन लोंडी नहीं है नौकरानी नहीं है ऐसा नहीं है कि औरत पर शरीयत ने ये जिम्मेदारी डाल दी हो कि तुमने शोहर के जूते साफ करने नहीं शरीयत ने ये जिम्मेदारी नहीं डाली कानून नहीं है कहने का मतलब यह है कानून नहीं है शोहर के कपड़े धोना नहीं उसके जिम्मे नहीं है शोहर के लिए खाना बनाना उसके जिम्मे नहीं है शोहर को चाहिए वो मुलाजिम रखे अगर वो ना करे क्योंकि कानूनी तौर पर वो उसको दबाकर ये काम नहीं ले सकती नहीं ले सकता शोहर जब शोहर अपने लिए काम नहीं ले सकता तो फिर घर के दीघर अफराध के लिए कैसे ले सकता है ठीक है लिहाजा यहां पर औरत मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार है उसी तरह से बच्चा पैदा करना औरत की जिम्मेदारी है लेकिन उस बच्चे को पालना पोसना उसकी फितरी जो ख्वाहिशात हैं वो अपनी जगह मामता अपनी जगह लेकिन कानून ने उसको पाबंद नहीं किया कि शोहर का कोई ताल्लुक न हो और औरत ही सुबह से शाम तक वो मेहनत करती रहे पाबंद नहीं किया शरीयत ने बल्कि शोहर से कहा कि तुम अपना हिस्सा डालो वो अपना हिस्सा डालें मैं कानून की बात करूं आते हैं बाद में अखलाक की तरफ इस, इस वक्त बात हो रही है कानून की लिहाजा इस हवाले से जो लोग शोर मचाते हैं ना कि औरत के शरीयत में नहीं है उनको शर्य कवानीन का नहीं पता इसलिए ये शोर मचाते हैं वाँ वाँ। अब जरा गौर करें कि हती हमारे यहाँ तमाम फकाहा इस बात पर मुतफक हैं कि अगर औरत अपने बच्चे को दूध पिलाने की उजरत उजरत मांगना चाहे तो शोहर से उजरत ले सकती है कानून ये है कानून यह है मैं अहलुलबेद की बात कर रहा हूं ठीक है अहलुलबेद के मकत में हता इस हद तक खातून को हक हासिल है अब आते हैं अखलाकियात की तरफ अखलाकियात में एक घर अगर आप कामयाबी से चलाना चाहें तो फिर वहां पर जहां शोहर कुर्बानियां देता है औरत को भी कुर्बानियां देनी है।, है इन कुर्बानियों का नाम अखलाका है जहां हमने अभी कहा मुफ्ती साहब ने भी फरमाया यहां पर के बाहर चौकीदार है आप लोग हैं हम लोग हैं जितने भी लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं किसके लिए करते हैं अपने घर के लिए उसी तरह जिस तरह से मर्द हजरात काम करते हैं अपने घर की घर के लिए औरत भी सुबह से शाम तक लगी रहती है अपने शोहर के लिए बिल्कुल सुबह से शाम तक वो उस बात की पाबंद नहीं होती लेकिन अखलाकन वो अपने आप को जिम्मेदार समझती है उसका वो उजरत भी नहीं मांगती उसको मोहब्बत के दो बोल चाहिए ठीक है अगर शोहर मोहब्बत के दो बोल बोल दे तो उसकी थकन उतर जाती है वो गर्म तरीन मौसम में गर्म तरीन मौसम में किचन की उस गर्मी में शोहर के लिए इफ्तारी बना रही होती है और जल रही होती है भुन रही होती है शोहर आराम से सो रहा होता है लेकिन जब बनाकर आती है शोहर दो लोग में खाता है ना शौक से और दो बोल तारीफ के बोल देता है तो औरत की तमाम थकन उतर जाती है अब उस औरत को पैसे ने इस काम पर मजबूर नहीं किया उसके प्यार तो है शरीयत आ, ने मजबूर नहीं किया कि शरीयत शरी तो वो पाबंद हो इसलिए वो ये काम कर रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है बल्कि यह अखलाकियात है लिहाजा इन दो चीजों को जब साथ लेकर आप चलते हैं तो आपकी एक कामयाब जिंदगी गुजरती है अब दो सिर्फ नुकते में एक मिनट से कम टाइम में अर्ज करूंगा कि औरत इसलिए जब बच्चा पैदा करती है तो बच्चा पैदा करना नेचुरल है और खुद औरत की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हदफ भी है और उसकी कामयाबी भी है लेकिन जब वो बच्चा जन्ने की तकलीफ से गुजर कर उस बच्चे को पैदा करती है बच्चा या बच्ची तो उसके शरीयत ये कहती है दीन ये कहता है उसके माजी के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं अल्लाह के अल्लाह। अब आप जरा अंदाजा लगा लें। तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं ये नबी करीम की अहादीस है और हमारे यहाँ तबातुर से ये अहदीस मौजूद है ठीक है तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं और फिर उससे कहा जाता है ए औरत जो माँ बनी है आज से नए सिरे से अपने अमाल का आगाज कर अब इसी तरह से एक नुकता सिर्फ जब बीवी अपने शोहर को एक गिलास ठंडे पानी का लाकर बहुत सारे शो, बहुत सारे शोहरों की ख्वाहिशात पे पानी फेर दिया आपने सर लेकिन चलें बैलेंस जी <laughs> <laughs> तो जब औरत एक गिलास ठंडे पानी का लाकर अपने शोहर को पिलाती है जबकि वो पाबंद नहीं थी लेकिन उसने शोक से ये काम किया तो शरीयत ये कहती है ये अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ करता है और अल्लाह उसको रहम की निगाह से देख सुबह अल्लाह पूरा साल इंतजार समझ समझा तीस दिन बारह कंटेस्टेंट कैश का होगा आपका नहीं <laughs> जिसने जो करना था गर्म लाखों आवाम को देने का जिम्मा उन्ने में शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान रमजान लीग बनेगी आपकी पहचा नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा गेम शो ऐसे चलेगा रमजान लीग रोजाना शाम सात बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें